नेक्स्ट नॉट स्टोन्स फनी एट फिश ऑल. बेसिकली एग्जिस्ट इन थ्री फेजेस. नंबर वन इज फेरिट. दिस फेज इज स्टेबल अप टू 912 डिग्री सेंटीग्रेड. ऑस्टेनिटिक फेज, दिस फेज इज स्टेबल बिटवीन 912 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1394 डिग्री सेंटीग्रेड. प्लीज अपने आपको आप लोग रिमूव मत करो, बार बार मैं एडमिट नहीं कर सकता. The next phase is Martin sitting phase. अच्छा जी, if the austenitic alloy is cooled very rapidly, it will undergo a spontaneous diffusion less transformation to a body centered tetragonal structure called Martin stick. This lattice is highly distorted and strained, resulting in a very hard, strong, brittle alloy. अच्छा, हम जो आप तीन फेजेस हैं स्टेनलेस स्टील की, उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है? उनकी लाइक एडवांटेज क्या है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है? फेरिटिक स्टेनलेस स्टील फेज होती है, इट प्रोवाइड्स गुड क्रोजन रेजिस्टेंस, लो कॉस्ट होती है, हैज लेस स्ट्रेंथ, नॉट हार्डनेबल बाय हीट ट्रीटमेंट, नॉट रेडिली वर्क हार्डनेबल. Hence, find little applications in dentistry. इसकी बहुत कम uses हैं dentistry में, because ये जो heat temperature को ज़्यादा heat temperature के लिए इतना favorable नहीं होती. Next phase is Martin stainless steel. It is highly it has high strength, can be heated heat treated, increase corrosion resistance and decrease ductility. इट इज यूज फॉर मेकिंग सर्जिकल एंड कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स. जो आपके प्लायर्स होते हैं या वाइड कटर होते हैं, जो आपके उसके बाद डायग्नोस्टिक सेट होते हैं, जिसमें आपके आप लोगों के पास माउथ मिरर, प्रोब, ट्वीजर्स, स्केलिंग टिप्स होती हैं, या बाकी जो सर्जिकल ब्लेड होता है या जो स्केल्पल होता है, ये जो चीज़ें होती हैं जितनी भी, और उसके अलावा जो आपके पास इंप्रेशन ट्रे होती हैं, वो बेसिकली मार्टन सीटिंग स्टील की बनती हैं. जो तीसरी फेज होती है वो ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील फेज है. दिस इज मोस्ट क्रोजन रेजिस्टेंट टू ऑफ द स्टेनलेस स्टील. इसकी कंपोजिशन बेसिकली क्रोमियम इसमें 18% होता है और निकल तकरीबन 8% होता है और कार्बन इज 0.15%, ठीक है? AISI बेसिकली एक ग्रेडिंग सिस्टम है, अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट ने इसको एस्टेब्लिश किया हुआ है. इसने जितनी भी स्टेनलेस स्टील की टाइप्स ने उसको एक नंबर दिया हुआ है, जो कि 302 बेसिक टाइप होती है स्टेनलेस स्टील की, और जो 304 होती है वो बेसिकली सिमिलर कंपोजिशन होती है इसकी, 302 के सिमिलर होती है, बट कार्बन कंटेंट इज लिमिटेड टू 0.08% एंड दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप इन डेंटिस्ट्री. ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील इज प्रेफरेबल टू द फेरिटिक अलॉयज बिकॉज ऑफ greater ductility and ability to undergo more cold work without breaking, substantial strengthening during cold working, ease of welding, ability to fairly readily overcome sensitization, comparative ease in forming. students अपने mic please mute कर दें, क्योंकि मुझे distortion आ रही है. अपने माइक को म्यूट कर दें, जिसने क्वेश्चन करना वो अनम्यूट करें. उसके बाद जी, इसका जो मेन डिसएडवांटेज होता है, इट इज अनीलिंग टेम्परेचर, ठीक है? सो लो फ्यूजिंग सिल्वर सोल्डर शुड बी यूज्ड. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेनलेस स्टील वायर्स can be controlled by varying the amount of cold working and annealing during manufacture. Steel is softened by annealing and hardened by cold working. Fully annealed stainless steel wires are softer, soft and highly formable. Students, आप लोग बाहर आ जाएं. मैंने session इधर end कर देना, सबकी absent mark हो जाएगी. This is last warning. अब अगर किसी ने कोई किसी तरह की कोई डिस्टरबेंस क्रिएट की, तो मैंने अभी इधर ही वो सेशन एंड हो जाएगा और सबकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी और मैं रिपोर्ट भी भेज दूंगा.
प्रिंसिपल चेयरमैन को. व्हाट आर डिफरेंट यूजेस ऑफ स्टेनलेस स्टील इन डेंटिस्ट्री. जो आपके पास ऑर्थोडोनिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लाइक प्लायर्स हो गए, ब्रैकेट होल्डर होता है, वायर कटर होता है, या बाकी प्लायर्स, जितने भी प्लायर्स होते हैं जो ऑर्थो में यूज होते हैं, वो सारे स्टेनलेस स्टील के ऑलमोस्ट बने होते हैं. उसके अलावा जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्केल्पल, फोर्सेप्स, दांत निकालने के लिए जो फोर्सेप्स यूज होते हैं, एलिवेटर यूज होते हैं, वो सारे स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं. उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स जो ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री और एंडोडोंटिक डेंटिस्ट्री में यूज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डायग्नोस्टिक सेट, एंडोडोंटिक फाइल्स जो होती हैं रूट कैनाल में यूज होती हैं, फाइल्स, एंडोफाइल्स, स्केलिंग टिप्स स्केलिंग के लिए यूज होती हैं, वो भी सारी ऑलमोस्ट स्टेनलेस स्टील की बनी होती है. उसके अलावा जो प्रोस्टो में इंप्रेशन लेने के लिए ट्रे यूज करते हैं, जो कि आपकी जो स्ट्रोक ट्रे होती है बेसिकली, वो भी स्टेनलेस स्टील की बनी होती है. उसके अलावा और भी बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स जो कि डेंटिस्ट्री में यूज होते हैं, वो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं. अच्छा जी, और अगर हम स्टेनलेस स्टील वायर को देखें, उसके क्या यूजेस हैं डेंटिस्ट्री में. जो आपके रिमूवल पार्शियल डेंचर होता है, उसकी क्लैप्स बनाने के लिए नजर आता है, ठीक है. ये आपको डेंचर नजर भी आ रहा होगा, ये वाला, इसके जो वायर्स हैं, जो क्लैप्स बनी हुई है, ये एसएस वायर की बनी हुई है, एसएस फॉर स्टेनलेस स्टील. उसके अलावा एटम क्लैप्स आपको नजर आ रही है नीचे वाली डायग्राम में, ये वाली डायग्राम में मोलर के ऊपर एटम क्लैप्स बनी हुई है, ये ऑर्थो में यूज करते हैं. ये नीचे डायग्राम में आपको लेबल बो नजर आ रही है, ठीक है, ये भी ऑर्थो में, एक ऑर्थो आपके पास ऑर्थो अप्लायंस होती है. उसके अलावा पैलेटल बो होती है, ये भी ऑर्थो अप्लायंस होती है, ये वाली डायग्राम में. उसके अलावा आर्च वायर्स होती हैं, जो कि बेसिकली ऑर्थो में यूज होती हैं. कोई भी आप ब्रेसेस लगवाते हैं, जो आर्च जो वायर पास करते हैं, वो या तो निकल टाइटेनियम की होती हैं या स्टेनलेस स्टील की होती हैं. वो राउंड भी हो सकती हैं और रेक्टेंगुलर भी हो सकती हैं. उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के क्वाइल्स होते हैं या लूप्स बनाने के लिए भी स्टेनलेस स्टील वायर यूज होती है. ये जो लेफ्ट साइड पर ऊपर पिक्चर नजर आ रही है, मोलर के ऊपर एक लूप बना हुआ है, ये बेसिकली एग्जाम्पल है लूप की. अच्छा, जो प्रोस्टो में क्लैप्स बनती हैं या लेबल बो बनती हैं या जो लूप्स बनते हैं, वो ऑलमोस्ट 0.7 mm डायमीटर की थिकनेस की वायर होती है, या 0.5 की भी हो सकती है, ठीक है. और जो आर्च वायर्स होती हैं, उनकी जो डायमेंशन होती है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, डायमीटर, वो डिफरेंट होता है. वो 0.12 से शुरू होता है और वो 0.8 या इससे भी ऊपर जाता है, ठीक है. वो डिफरेंट डायमीटर की वायर्स होती हैं. और इसी तरह जो रेक्टेंगुलर होती है, वो 16-25 हो सकती हैं, 17-25 हो सकती हैं, 18-25 हो सकती हैं, सब डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. अच्छा जी, वायर बेंडिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसको फॉलो करना जरूरी है, अदरवाइज आपकी जो वायर बेंडिंग ठीक तरह नहीं होगी. नंबर वन इज ऑल बेंड्स इन ऑर्थोडोनिक वायर्स आर प्लेस्ड बाय फिंगर्स, वायर्स आर मेंट टू होल्ड द वायर फर्मली एंड असिस्ट इन वायर बेंडिंग. जो आपने वायर को बेंड करना है, आपने फिंगर की सपोर्ट के साथ करना है. जो प्लायर होता है, वो वायर को फर्मली ग्रिप करने के लिए यूज होता है. स्टूडेंट्स, आप वही काम कर रहे हो. मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करके दोबारा करता हूँ, क्योंकि ये ऊपर लिखा आ गया तो नजर क्लियर नहीं आएगा. अच्छा जी, नंबर टू पॉइंट, नंबर टू प्रिंसिपल क्या है. ऑलवेज होल्ड द प्लायर यूजिंग अ पाम ग्रिप. नंबर थ्री प्रिंसिपल इज बिफोर स्टार्टिंग टू बेंड द वायर एस्टेब्लिश अ फर्म ग्रिप ओवर द वायर. नंबर फोर इज इन जनरल शार्प बेंड शुड बी अवॉइडेड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. शार्प बेंड शुड बी अवॉइडेड टू प्रिवेंट इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्ट्रेसेस व्हिच कैन लीड टू फ्रैक्चर ऑफ द वायर लेटर. अगर कोई शार्प बेंट आ जाएगा तो वहां से वो वायर फ्रैक्चर हो सकती है, अगर उसके ऊपर कोई प्रेशर आएगा बाद में. नंबर फिफ्थ इज इट इज इजियर टू मेक अ बेंड बाय पुशिंग द वायर रादर देन पुलिंग द वायर. नंबर सेवन इज यूज प्रॉपर बीक ऑफ द प्लायर टू होल्ड द वायर बिफोर प्लेसिंग द बेंड. नंबर एट इज प्रिसाइज मार्किंग इज नेसेसरी बिफोर मेकिंग एनी बेंड. जिस जगह से आपने
जिस पॉइंट से आप लोगों ने बेंड देना होता है उस वहां पर आप एक पॉइंटर या मार्कर से एक मार्क लगा लेते हो, फिर वहां से आपको आप वायर को एंगेज करके प्लायर के साथ उसको बेंड करते हो, ताकि आपको पता हो कि आप मैंने इस जगह से इस पॉइंट से इसको बेंड करना है, अदरवाइज वो आगे पीछे हो सकती है, तो वो आपकी जो आपने अप्लायंस बनानी है वो खराब हो जाएगी। नेक्स्ट, अच्छा ये अगर तो आपने राइट एंगल बेंड देना है उसके लिए क्या क्या करना है, आपको ये टॉप पे जो पिक्चर नजर आ रही है राइट एंगल बेंड की 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री पे आपने बेंड देना हो, तो इसमें क्या करते हैं, मार्क द पोजीशन वेयर द बेंड शुड बी मेड, होल्ड द वायर फर्मली विद द प्लायर, पुश द वायर क्लोज टू द प्लायर यूजिंग द थंब एंड फोर फिंगर। ये कैसे आपने बेंड देना है वो आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा, आपको बेटर क्लियर हो जाएगा। सॉरी, अच्छा जी, अगर आपने एक्यूट एंगल बेंड देना है, एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90, इसमें क्या होता है जी कि मेक अ राइट एंगल बेंड देन विदड्रॉ द प्लायर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मार्क एंड क्लोज द एंगल, ठीक है। आगे अगर आपने शॉर्ट कर्व बेंड देना है उसके लिए क्या करना है, होल्ड द वायर फर्मली विद द प्लायर एंड मेक द बेंड विद द फिंगर्स। अगर आपने सर्कल बनाना है या आर्क ऑफ अ सर्कल बनानी है तो उसके लिए क्या करना है, दे आर मेड विद द फिंगर्स ओनली। ये नीचे आपको एक इंटीरियर टीथ के ऊपर एक सर्कल या आर्क बना नजर आ रहा है, अगर इस तरह का आपने वायर को बेंड करना है तो उसके लिए आप उसको फिंगर से ही कर सकते हो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा जो हमारे पास बेसिकली जो वायर्स आती हैं वो राउंड उसको बेसिकली वो बना होता है, उसका ना रोल्स बने होते हैं, आपने जब भी कोई वायर बेंडिंग करनी है तो आपने वायर का वो पीस काट के उसको प्लायर के साथ अच्छी तरह पहले स्ट्रेट करना है, अगर आप स्ट्रेट नहीं करोगे तो वायर अच्छी तरह बेंड नहीं होगी, वायर में मसला होगा, इसलिए आपने हमेशा पहले वायर को स्ट्रेट करना है अच्छी तरह, उसके बाद वायर बेंडिंग करनी है। नेक्स्ट, वायर बेंडिंग के मेथड कौन कौन से हैं, दो वेज होते हैं, या तो आप स्पेशल प्लायर यूज कर लो या आप सिंपल प्लायर यूज करो बट स्ट्रॉन्ग एक्यूरेसी के साथ। बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई अप्लायंस बनानी है तो एक तो उसके स्पेशल प्लायर्स होते हैं, ठीक है, और बाकी एक जनरल कुछ सिंपल और बेसिक प्लायर्स होते हैं उनको यूज करके भी आप बना सकते हो, पर उसके लिए आपको ऑब्वियसली जो है ना वो एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए और एक्सपर्टीज होनी चाहिए आपके पास। ये डिफरेंट टाइप्स के प्लायर्स होते हैं जो कि ये बेसिक प्लायर्स हैं, ये कम से कम बेसिक प्लायर्स हैं जो आपके पास होने चाहिए कोई भी अप्लायंस बनाने के लिए, ठीक है। इसमें एटम प्लायर है, ठीक है, ये वाला जो राइट टॉप पे है, उसके बाद उसके नीचे जो प्लायर है राइट लोअर बॉटम पे, वो आपके पास स्प्रिंग फॉर्मर या बर्ल्ड बिग प्लायर है, उसके बाद जो सेंटर में ऊपर वाला प्लायर है ये आपके पास थ्री प्रोंग प्लायर होता है, उसके बाद जो नीचे जो येलो कलर की जिसकी ग्रिप है येलो ब्लू कलर की वो राउंड प्लायर होता है, ठीक है, और जो लेफ्ट साइड पर कॉर्नर में प्लायर बना हुआ नीचे वाला ये आप लोगों के पास यंग्स लूप बेंडिंग प्लायर है। ये बेसिक प्लायर्स होते हैं कोई भी क्लैप्स या कोई भी अप्लायंस बनाने के लिए। अच्छा जी, चेकलिस्ट फॉर सिलेक्शन ऑफ प्लायर्स, नंबर वन, स्टेनलेस स्टील प्लायर्स आर प्रेफर ओवर द स्टेनलेस स्टील प्लेटेड प्लायर्स, ठीक है, उनकी ग्रिप उनका होल्डिंग ज्यादा बेटर होती है। उसके अलावा कार्बाइड टिप्स और टंगस्टन कार्बाइड टिप्स आर प्रेफर्ड फॉर कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो आपके पास कटर होते हैं उनकी जो टिप्स हैं वो कार्बाइड टिप्स होनी चाहिए, वो बेटर कट करती हैं वायर को। नंबर थर्ड, द बीक्स ऑफ द प्लायर और डेट ऑफ अ कटर शुड बी क्लोज टू वन अनदर विदाउट एनी स्पेस इन बिटवीन व्हेन दे आर क्लोज। जैसे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है कि जब प्लायर को आप क्लोज करते हो उसके जो दोनों एंड्स होते हैं दोनों बीक्स होती हैं उनमें कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए, अगर स्पेस होगी तो वायर को अच्छी तरह ग्रिप नहीं करेंगी। तो आपने कोई भी अप्लायंस बनाने से पहले या वायर काटने से पहले अपने प्लायर को चेक कर लेना है, ठीक है, तो उसकी बीक्स जो है ना वो आपस में क्लोज हो रही है अच्छी तरह। अच्छा जी, आगे मैं आपको, ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट था, आगे मैं वीडियो दिखा रहा हूँ जिसमें आप लोगों के पास आपने एक्यूट एंगल बेंड कैसे देना है, राइट एंगल बेंड कैसे देना है, और उसके अलावा जो है ना आप लोगों ने आर्क फॉर्म कैसे बनानी है वो वीडियोज हैं, और उसके अलावा
एस अल्फाबेट जो आपकी आप लोगों की लैब कोटा बुक के ऊपर बना हुआ है, वो आप लोगों ने कैसे बनाना है उसकी वीडियो है, ये आप लोग ध्यान से देख लो। सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई होप आप लोगों को आवाज आएगी। फाइल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर मटेरियल प्रोसेक्शन अकॉर्डिंग टू मटेरियल। जी सर आ रही है सर। वायर स्टेनलेस स्टील आर्च वायर कोबाल्ट क्रोमियम आर्च वायर्स निकल टाइटेनियम आर्च वायर्स कॉपर टाइटेनियम आर्च वायर्स एंड सिरेमिक कोटेड arch wires and according to cross section area there are rounded arch wires rounded rectangular arch wires rectangular arch wires coaxial arch wires and twisted arch wires. Our topic is wire bending of stainless steel wires. Steels are iron based alloys that contain less than 1.2% carbon. When 12 to 30% chromium is added to iron, the alloy is called as stainless steel. Stainless steel wires exist in three phases, which are ferrite. This phase is stable up to 912 degrees centigrade. Austenitic. This phase is stable between 912 degrees centigrade to 1394 degrees centigrade. Martensitic. There are different types of pliers which we are using for wire bending in modern industry. This is Adam plier. This is round nose plier. You can see the beak of the plier is like nose and rounded. This is spin or beak plier. मैं आप लोगों की सारी रिपोर्ट भेज रहा हूँ, ठीक है प्रिंसिपल, और ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है मेरे पास, मैं ये इसकी जो ना हार्ड सॉफ्ट कॉपी यूएसबी में करके प्रिंसिपल और चेयरमैन को भेज रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने जो करना है कर लें। There is one side of Adam plier and other side is of round nose plier. So this is why it is called world beak plier or spring forming plier, and this is wire cutter to cut the wire. Orthodontic pliers are made of stainless steel alloys. Stainless steel pliers are preferred over the stainless steel plated pliers. Carbide tips or tungsten carbide tips are preferred for cutting instruments. The beaks of pliers or that of a cutter should be close to one another without any space between when they are close. Here you can see there is no space when it is closed. Today I will give a demonstration on SS wire bending. This is SS wire of 0.7 mm diameter. There are a few general principles of wire bending. All bends in orthodontic wires are placed by the fingers. Pliers are meant to hold the wire firmly and assist in wire bending. Always hold the plier using a palm grip like this. Before starting to bend the wire, establish a firm grip over the wire. In general, sharp bends should be avoided to prevent incorporation of stresses which can lead to the fracture of the wire later. Usually wires are spliced in rolls. All the wire bending
has to be studied on a straight wire. Before bending, we have to straight the wires like this. Grip the wire into atom clasp firmly and straighten. The wire should be straight to make any bend. Now you can see the wire is almost straight. I will demonstrate how to make a right angle bend. Precise marking is necessary before making any bends. Mark the position where the bend should be made like this. Suppose I have to bend from this point. I will mark the wire on this point. Then hold the wire firmly with the plier from this point with atom clasp. Push the wire close to the plier using the thumb and forefinger like this. Here you can see there is a right angle bend. It is easier to make a bend by pushing the wire rather than pulling the wire. Use proper beak of the plier to hold the wire before placing the bends. How to make a acute bend? Make a right angle bend as we have already done. Then withdraw the plier like this, slightly away from the mark, and close the angle like this. This is acute angle bend. Lesson 19. Now, how to make a short curve bend? Hold the wire firmly with the plier and make the bend with the finger like this. This is short curve bend using a round plier. Avoid any sharp angle. Here is a sharp angle. This should be avoided. Otherwise, the wire could be fractured from this point in future. How to make the circle or arc of a circle? They are made with the finger only like this. Just bend the wire with the help of your fingers like this. It's all about firm grip with your fingers. There is an arc or circle like this. Now I will give a demonstration how to make S alphabet. This is wire which I have already straightened. I will place the wire on this alphabet. This S is basically a mixture of short curved bands. I will mark a point with the help of pointer where I have to bend it. Sir, video बहुत ज़्यादा अटक रहा है. Then I will use this bird beak plier. हाँ जी, क्या? Sorry, क्या हुआ जी video को? Sir, बहुत ज़्यादा अटक रही है. मतलब बहुत ज़्यादा रुक रही है. चले, मैं आप लोगों को इसका लिंक भेज दूंगा, आप लोग उस पर देख लेना एक दफा. अभी आप लोग इस पर देख लो. ओके सर, थैंक यू. एंगल्स, मिक्सचर ऑफ शॉर्ट कर्व बैंड्स. आई विल मार्क अ पॉइंट विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर वेयर आई हैव टू बेंड इट.
then I will use this bird beak plier, and you can use also round nose tip plier. I will grip the wire from this marked point and give a bent hair. Wide sharp angles. I will place the wire on the alphabet to check the bend, it is okay or not. I will mark and then I will mark next position where to give next bend. Now I will mark next point. Hold the wire from this marked point and give a bend. Now I will mark next position. सर पॉइंटर से मार्क तो कर लेंगे लेकिन डिग्री ऑफ कर्वेचर तो अंदाजे से ही होगा ना. सॉरी दोबारा क्वेश्चन कीजिएगा. सर हम पॉइंटर से मार्क तो कर लेंगे लेकिन बेंड कितना करना है वो अंदाजे से ही होगा ना. वो आपने थोड़ा सा बेंड करके उसको चेक कर लेना है, ठीक है. आपने ज्यादा नहीं करना, एक साथ नहीं करना, क्योंकि अगर वो ज्यादा हो गया तो उसको दोबारा स्ट्रेट करना मुश्किल होता है. जैसे मैंने पहले बताया था, इसको जो है ना वो पुश करना इजी है, पुल करना मुश्किल होता है, ठीक है. तो आप लोगों ने इसको थोड़ा सा बेंड करके चेक, उसको रख के चेक कर लेना है, ठीक है. देन उसके बाद अगर वो नहीं से सारा बेंड हुआ तो उसको थोड़ा सा और कर लेना है, सारा एक साथ नहीं करना. ठीक है सर, थैंक यू. नो आई विल मार्क नेक्स्ट पोजीशन. आफ्टर एवरी स्टेप पुट द वायर ऑन द अल्फाबेट एंड चेक द एक्यूरेसी. अच्छा क्लास, आई थिंक जो जूम की मीटिंग होती है जो फ्री, इसमें आई थिंक 45 मिनट्स की होती है. अगर इन केस हमारा भी द सेशन एंड हो जाता है, मीटिंग ओवर हो जाती है, तो मैं एक नई मीटिंग स्टार्ट करूंगा, तो आप लोग फिर दोबारा से ज्वाइन करोगे बाकी की वो सेशन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है. ओके सर. नहीं सर, वो मीटिंग ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाती है अगर 45 का लिमिट क्रॉस हो जाए. अच्छा चलिए, मुझे इसका आइडिया नहीं था. चलिए तो अगर हो जाती तो अच्छी बात है. Here you can see the upper half of the S is on the line, on the alphabet lines. Now I will mark the next position. Hold the wire from this point and give another bend downward.
नेस्ट मार्किंग Noel plays next mark. It is quite easy if your grip is firm. सर लेक्चर को दोबारा से स्टार्ट कर लें क्योंकि बहुत ज्यादा बफरिंग हो रही है और ना दूसरा कुछ बच्चों का डिस्कनेक्ट हो गया है खुद ही सर वीडियो बिल्कुल सही नहीं चल रही ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया हुआ आई थिंक एक मिनट की वीडियो है तो आप लोगों को मैं लिंक सेंड कर दूंगा आप लोग बाद में दोबारा देख लेना ओके सर No, the S alphabet is almost completed. No, I will mark the end point and cut from this point. Cut the wire with the help of wire cutter from this point. Hold the both alphabet and extra wire. Otherwise, it can injure your eyes or something, some other part of your body because it is sharp. Now after this, check the sharp angles and if there is any sharp angle, try to correct it with the help of round plier. This is your final alphabet. You can see the wire bent which we have bent is just over the lines of S alphabet. There are few sharp angles and please try to avoid these sharp angles. This is all from our 2-day practical demonstration. क्लास कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लो अपने जिसका क्वेश्चन है वो अपना माइक अनम्यूट करो मेरे से पूछ ले वो वन बाय वन ठीक है
सर जब कॉलेज खुलेगा तो ये सारे प्रैक्टिकल्स हमें कराएंगे कि नहीं? बिल्कुल, आपको प्रोफ से पहले ये सारे प्रैक्टिकल्स होंगे, क्योंकि वैसे तो पॉसिबल ही नहीं है कि जो है ना वो आप लोगों को ऐसे एग्जाम में बैठा दिया जाए। ठीक है, जैसे कॉलेज ओपन होगा तो आप लोगों को बुलाया जाएगा और ये सारे प्रैक्टिकल जो ऑनलाइन हो रहे हैं ये सारे दोबारा से होंगे। ठीक है ना, और उसके बाद जो है वो अगर इनकेस नहीं भी कॉलेज ओपन होते और आपके एग्जाम होते हैं तो आपको तब भी जो है ना वो दो दो चार चार करके थोड़ा सा ग्रुप्स बना के आपको कॉलेज हम बुलाएंगे और सारे प्रैक्टिकल्स करवाएंगे, ताकि आप लोग जब, क्योंकि वो एग्जामिनर ने तो आगे देखना है ना कि आपको वो आ रहा कि नहीं आ रहा बनाना। ठीक है, अच्छा बाकी आप काफ़ी लोगों ने बोला कि वीडियो स्टक हो रही थी, पर मैं एक और अकाउंट से देख रहा था और मेरे पास तो सही प्ले हो रही थी, इसकी क्या वजह हो सकती है, क्यों स्टक हो रही है? आई थिंक आपका लोगों का नेट स्लो आ रहा है शायद। कोई बताएगा मुझे क्यों, क्या रीजन हो सकती है इसको स्टक होने की? मेरे पास जो मैंने एक और अकाउंट से लॉगिन करके देख रहा था साथ साथ, और मेरे पास तो सही आ रही। चलिए मैं नेक्स्ट टाइम जो है ना वो और इसको बेटर करने की कोशिश करेंगे। बाकी है कि आप लोगों से जो है ना वो रिक्वेस्ट है कि जो आप लोग बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो वो आप लोग ना करो। ठीक है, वो ऑब्वियसली आप लोगों के लिए बेटर है। अच्छा बाकी ये कि आज हमारा ये था सेशन, इसका वाइड बेंडिंग और एस अल्फाबेट हमने बनाया। बाकी एक एक और अल्फाबेट बनाना होता है सी। ठीक है, वो उसकी डेमोंस्ट्रेशन आप लोगों को डॉक्टर तसीर देंगे। अभी आप लोगों के पास 5 मिनट्स की ब्रेक है और उसके बाद जो आप लोगों का फेसबुक पर लाइव सेशन शुरू होगा वो डॉक्टर तसीर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर मीटिंग एंड करने लगा हूँ। ठीक है, और आफ्टर 5 मिनट्स जो आप लोग फेसबुक पर लाइव उसको ज्वाइन करोगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।